ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आज अंतिम तारीख है। इस परीक्षा का आयोजन 24 नवंबर को किया जाएगा। ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं की ओर से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बीच शासन स्तर पर बैठक की गई। इसमें प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में आज चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया। हरियाणा विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी विधायक रघुवीर सिंह कादियान 15वीं हरियाणा विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर होंगे और सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक। इस बार मथुरा स्थित गऊ ग्राम परखम के दीनदयाल उपाध्याय गौ विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र में आज से आयोजित हो रही है। बैठक की जानकारी देते हुए गऊ ग्राम परखम में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि ये बैठक हर साल इन्हीं दिनों में दीपावली के पूर्व सम्पन्न होती है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक अफसर अलर्ट हो गए हैं। वहीं इस दौरान रायपुर और दुर्ग आईजी अमरीश सुरक्षा की कमान संभालेंगे, साथ ही 1000 से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आज से रामपुर में रामपुर उत्सव 2024 का आगाज रामपुर गाँव में किया जाएगा। यहाँ आज से 27 अक्टूबर तक शिक्षा स्वास्थ्य व सांस्कृतिक पर आधारित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भूमि संबंधी मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण करने हेतु आज एसडीएम न्यायालय में विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा। एसडीएम संगीत राघव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24, धारा 116 व धारा 38 के अंतर्गत भूमि संबंधी मामलों का आपसी सहमति व सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है। देहरादून में होने वाली राज्य स्तरीय अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए जिले की टीम का चयन आज काशीपुर स्टेडियम में किया जाएगा। स्टेडियम प्रभारी मोहित कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय अंडर 19 बालक वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता 6 से 9 नवंबर तक देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में आयोजित होगी। इसमें प्रतिभाग करने के लिए जिले की टीम का चयन ट्रायल आज काशीपुर स्टेडियम में होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस आज और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने जा रहा है। मुख्य विषयों में बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रभाव और सरकार की ओर से इंटरनेट विनियमन शामिल है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के अनुसार बैठक में 2025 में अपनी शताब्दी से पहले संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की जाएगी। चंबा में आज होगी स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक। पीएम श्री बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में आज स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक होगी। बैठक में शिक्षा ग्रहण कर रहे 6ठी से जमा 2 के सभी छात्रों के अभिभावकों का भाग लेना अत्यंत अनिवार्य रहेगा। बैठक में अपार आईडी के बारे में अभिभावकों से चर्चा की जाएगी। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 2005 में आज के दिन इराक में नए संविधान को जनमत संग्रह में बहुमत के साथ मंजूरी मिली थी। साल 2008 में आज के दिन सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी को 6 माह की सजा सुनाई गई थी। साल 2009 में आज के दिन बगदाद में बम धमाकों से 155 लोगों की मौत तथा 721 लोग घायल हुए थे। साल 2012 में आज के दिन क्यूबा और हैती में सैंडी तूफान से 65 लोगों की मौत तथा $8 करोड़ का नुकसान हुआ था। साल 2013 में आज के दिन नाइजीरिया में सेना ने आतंकवादी संगठन बोको हराम के 74 आतंकवादियों को मार गिराया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।